and second I am going to start learning something new. না 10 টাকা তো তুমি ভাত কোনোদিন কেউ দিতে পারো না কি করো ভুগড়া ভাত খাবো দিয়ে দাও 10 টাকায় ভাত কেউ দেবে না তোমাকে খাবে তো আচ্ছা তুমি ভাত খাও চলো আমি যাব চলো আমি চলো চলো না আমি অবশ্য চলে যাচ্ছি শুনো তুমি খাবে না শুনো ডিম খাবে ডিম ভাত এই জন্য 500 টাকা দিতে রাজি তুমি তো ভাতে 10 টাকা দেবে Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me. Hello, good morning, welcome or welcome back to my YouTube channel. Today is 25th of August. अभी कितना time हो रहा है? देख के बताती हूँ रुको. अभी हो रहा है 10:05. अभी मैं आई हूँ breakfast करने के लिए. Breakfast करने के बाद मैं नहाऊँगी. कौन सा मेरा है मम्मी? बेटा. डाल दो दूध थोड़ा यहाँ ओट्स भी है यहाँ स्प्राउट्स भी है बस 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 पापा को यहाँ कब से बाल परेशान कर रही है को था नहीं तो किचु मैं अब अपने मुंह में स्प्राउट्स ठूस रही है ठीक अच्छा तुमने जावे तो नहीं की डॉक्टर दिखाते सो अभी मैं खाने जा रही हूँ ओट्स और पापा और मम्मी निकल रहे हैं डॉक्टर दिखाने के लिए क्योंकि बहुत दिन से मम्मी का कमर में पेन हो रहा है तो वो दिखाने के लिए जाएंगे मैं घर पर ही रहूंगी और मैं सोच रही हूँ मतलब कब से यार कब से वो रिंग लाइट लेना है मुझे ले ही नहीं पा रही हूँ पापा को मैं बोलती हूँ ओ पापा कोई रिंग लाइट कोई कृष्ण ठाकुर दुकान टते गी आन पे है मेरे ओट्स में दूध ज्यादा हो गया देखो और दूध और फ्रूट्स ही ज्यादा है ओट्स दिखाई नहीं दे रहा है इसमें मेरा डांस वाला वीडियो शाम को आएगा मम्मी मम्मी मेरे डांस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है कि नहीं ना चाह ड्राइंग दुटो चाहे हमें ड्राइंग अब नहीं आएगा और मेरे से तब हो गया है ड्राइंग इधर मम्मी रेडी हो रही है उधर पापा रेडी होके मम्मी के लिए वेट कर रहे हैं पापा का हमेशा यही रहता है पापा पहले रेडी हो जाता है फिर मेरे और मम्मी के लिए वेट करता है पापा को मैंने रिंग लाइट लाने के लिए बोला है अब देखते हैं वो वाला मिलता है या नहीं एक दुकान में मिलता है जहाँ से हम लोग हमारा वो बड़ा वाला जो कान्हा है ना उनको लेकर आए थे उस दुकान में मिलता है अब पता नहीं अभी है या नहीं पता नहीं अरे अच्छे चप्पल पहन के जाओ यार ये वाला पहन के जाओ मुझे दो मैं करके देती हूँ मम्मी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है एक पैसे का भी अच्छी बात है मैंने जैसा बोला है वैसा अगर मिला तो लेके आना नहीं तो लेके आने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी ने कहा इसको अंदर घुसाने के लिए बस नहाना दहाना सब कुछ हो गया अभी तो हूँ मैं घर में अकेली पापा मम्मी अभी तक आए नहीं हैं अब मैं मेरे फेस को थोड़ा वॉश कर लेती हूँ इस बारे फेस वॉश जाने के वक्त आने के वक्त भी फिर से मेरा कैमरा हमेशा रेडी रहता है पापा दही लाए हैं क्या क्या सब कुछ शॉपिंग करके लाए हैं है क्या इसमें अच्छा कुछ लाए हो या नहीं अभी पापा के पास ही है तो उस दिन हम लोग गए थे ना मम्मी का चश्मा ठीक करने के लिए तो ये वाला नया चश्मा आ गया मम्मी का देखो जरा पहनो जी इतना धीरे ओके ओके दिखाओ हाँ अच्छा लग रहा है अब देखो ये क्या है ये वाला चीज क्या है ओ पिक्टिकल क्लींजर अच्छा है चलो सही है আর ওটস দিতে মানা করছে Always waiting for the one, but I got news for you. On the best day ever.
दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड बहुत दिन हो गया था मेरा बेड का जो चादर है वो एक ही था, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा चेंज कर दूं। बहुत ज्यादा गंदा भी हो गया था तो इसलिए मैंने दोनों बेड का ही चादर को चेंज कर दिया है फुल्ली। अभी चादर तो चेंज हो गया है, अभी मैं इस रूम को झाड़ू मारने वाली हूँ। और तो अभी मैं फटाफट झाड़ू मार देती हूँ, फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे और पापा को एक जगह जाना है। तो फटाफट सब कुछ काम कर लेती हूँ। कल मैं और ज्यादा व्लॉग नहीं बनाई थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, तो आप लोग व्लॉग देखते जाओ। मैंने इस बेड में लाइट कलर वाला चादर बिछाया है और इस बेड में ये ब्लैक वाला चादर बिछाया है, इसलिए क्योंकि मैं ये वाला बेड ज्यादा यूज करती हूँ। इस वाले बेड को मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, इसमें सामान रखा हुआ रहता है, तो जिसको ज्यादा मैं यूज करती हूँ मैंने सोचा कि वो ज्यादा गंदा होता है तो उसको ब्लैक ही रखूँ ताकि जल्दी खराब ना हो, जल्दी गंदा ना हो। इज माई टूडेज ब्रेकफास्ट फ्रूट्स ओट्स। पापा घर में रहते हैं तो ये सब जो भी रूटीन हम लोग मेंटेन करते हैं वो एकदम ठीक ठाक से टाइम टू टाइम होता रहता है। अगर पापा घर में नहीं रहते हैं तो ट्रस्ट मी, मतलब कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ। पापा ये सब कुछ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन मैं और मम्मी जब अकेले रहते हैं घर में तब ये सब में कुछ भी ध्यान नहीं देते, कुछ भी खा लेते हैं हम लोग। मैंने ये लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की थी तो ऑन किया है मैंने, कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है देखो। एक बहुत अच्छा सा एक रिफ्रेशमेंट, एक बहुत मतलब बहुत ही अच्छा सा एक वाइब मिल रहा है मुझे। बहुत दिन हो गया था मैं ये लाइट नहीं जला रही थी, लेकिन अब से मैं जलाऊंगी इसको। जलाने में स्पेशली रात को पूरा घर अंधेरा है, ये लाइट्स वगैरह नहीं जलते हैं, सिर्फ ये दो लाइट्स अगर जलता है ना इतना अच्छा सा एक वाइब मिलता है। पापा निकल रहे हैं बाहर, सो मेरे लिए जो काम करने के लिए आए थे वो काम तो हो गया, अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। काकू टॉक दो या छ दाओ तो, अभी मैं यहाँ से खट्टा वाला दही लेने के लिए आई हूँ और पापा गया है कुछ काम से। और वो जी डब बटा की क्या जो मुझे क्वालिटी वॉल्स वाला आइसक्रीम मिल गया, लेकिन ओरियो वाला नहीं मिला, फ्रूट एंड नट का कुछ था वो मिला। एंड सेकेंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग न्यू, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में मैं बाद में कभी कुछ व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं भी तभी बताऊंगी जब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बस यही जान के रखो कि मैं कुछ नया करने के लिए जा रही हूँ। खाना खिलाने लेकर जा रहे हैं वो आदमी, 10 रुपए मांग रहे थे, पापा ने बोला चलो होटल में चलो, तुमको खाना खिला रहा हूँ लेकिन पैसा हाथ में नहीं दूंगा। वो चलो इसके चक्कर में कुछ अच्छा काम भी हो गया आज, उन लोगों को खिला दिया पापा ने। बाप रे, यहाँ देखो गाय की मीटिंग चल रही है गाय की मीटिंग चल रही है यहाँ, पीछे देखो सामने देखो, बाप रे क्या क्या स्पेशल है आज ये अगली खड़ी। वहाँ देखो दूर में बहुत सीरियस बातों में शायद मीटिंग चल रही होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं बाहर निकली थी लेकिन सनस्क्रीन नहीं लगाई थी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी यार।